पाना इतना आसान नहीं है। मैंने सही कहा ना? कितना डालो जी? 20 लीटर डाल दे। सरदार जी रुकिए जी। सरदार जी रुकिए जी। क्या बात है भाई? गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया। वो जाना कहाँ है? भगत सिंह रोड पर। ठीक है, बैठ जा। आनंद चल, आजा। इधर। ए, और किसको साथ ले रहे हो भाई? ये मेरा जिगरी दोस्त है। जिगरी दोस्त है? हाँ सर। ठीक है, बैठ जा। हाँ, बेटा इनको जगह दे दे। बैठ। என்ன மனுஷங்கடா, நாம யாரோ அவங்க யாரோ, ஒரு உதவின்னு கேட்ட உடனே எப்படி செய்யறாங்க பாரு, நாம அப்படி பண்ணுவோமா? நீ வேற குமார், இவன் எதுமோ நமக்காக பெட்ரோல் ஊத்தி நம்மள என்ன இறக்கி விடுற மாதிரி போற வழியில இறக்கி விட போறான். டேய், இவங்களை பத்தி உனக்கு தெரியாது, பயங்கரமான காரியக்காரன், பாக்குறது தான் தலப்பாவும் தாடியோட ரொம்ப கட்டுப்பாடோட இருக்கிற மாதிரி நடிப்பானுங்க. அனாவசியமா இந்த கிழபோல்ட போய் தியாகிகள் பட்டியல வைக்க பார்த்த. क्या हुआ? என்னடா சொன்னே? நானே கிளம்பிட்டேன். मैं कब से सुन रहा हूँ तू कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बके जा रहा है? तू क्या समझता है मुझे लैंग्वेज नहीं आती? 16 साल तमिलनाडु में पुलिस ऑफिसर की नौकरी की है मैंने, तेरे जैसे कितने ही लोगों को देखा है मैंने, समझा? हैं? कौन सी मैंने तेरी जायदाद लूट ली है? क्या चीटिंग की है? टेल मी हु चीटेड यू? सॉरी सर, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। ए, तुझे चुप रहने को कहा था ना मैंने? मैं चुप था लेकिन जुबान नहीं रुकती। पड़ेगी अभी, चुप रह। सर, ऑफिस के लिए देर हो रही है सर, प्लीज सर। नो, तुझे आना है तो तू आ। पापा जी। ऐसे आदमी को मैं दोबारा गाड़ी में नहीं बिठाऊंगा। सर, पहले ही बहुत देर हो गई है सर, जल्दी जाना है, प्लीज सर। ठीक है, तेरी वजह से मैं छोड़ रहा हूँ, चल बैठ। अब अगर दोबारा ऐसी वैसी कोई बात की ना तो गर्दन तोड़कर तेरे हाथ में दे दूंगा, समझा? चल बैठ। चुपचाप बैठना। अब मुंह नहीं खोलूंगा, मुंह नहीं खोलूंगा। अब अगर मुंह से एक भी आवाज आई तो जुबान काट के रख दूंगा। मुंह भी नहीं खोलेगा सर। क्या करते हो तुम यहाँ? मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ, ऑफिसर की पोस्ट है, 3 महीने हुए ज्वाइन करके। पंजाब कैसा लगा तुम्हें? ओहो, क्या बात है सर, आपका पंजाब ना हो तो इंडिया है ही। तंजावुर में हो तो ऐसा लगता है तमिलनाडु में है हम। तमिलनाडु में तो कहते हैं पूरा भारत बसता है, लेकिन पंजाब में पूरी दुनिया के लोग बसते हैं सर। और पंजाब के लोग क्या कहना, बड़े ही मेहनती होते हैं, बहुत भले होते हैं सर। देश की महान हस्तियां लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सब यहीं तो पैदा हुए थे। सर सर, बस यहीं रोक दीजिए। हाँ रुकिए जी। थैंक यू सर। नाम क्या है तुम्हारा? आनंद। सिर्फ आनंद या? सिर्फ आनंद। अच्छा नाम है। थैंक यू। मेरा नाम बताऊं? कोई जरूरत नहीं। सरदार जी। चुप रहना। ओके सर। इट्स ऑल राइट। ओके। थैंक यू। बाय। बाय सर। अबे तू चुप नहीं रह सकता। चला। मैं तो तब से चुप हूँ। क्या करूं? आदत से मजबूर हूँ। अब ये कैसे चल रही है, समझ में आया? क्यों टेंशन लेते हो सर, मैं हूँ ना। क्या करूँ मैं, नई मशीन है, बार बार खराब कर देता है और हमेशा मुझे ही ठीक करना पड़ता है। कुछ कहो तो यहाँ के लोगों को जमा करके मुझे ही धमकियाँ देता है। समझाने से हर आदमी समझ जाता है सर, और वैसे भी हर जगह ऐसे आदमी होते ही है। मिस्टर कुलदीप, इट्स आवर कंपनी, वी शुड डू आवर जॉब परफेक्टली। ओके, चलिए सर। This is the last warning. Be careful. आइए सर।
अरे पुनीत, कितनी देर लगेगी और? 2 घंटे। हाँ जल्दी काम करना। ठीक है जी। सर, सरदार जी। ए, चुप कर यार। पंजाब के कुत्ते मेरे दोस्त हैं यार। चुप। सरदार जी, मैं आया हूँ। अरे भाई। सर, मैं हूँ सर। आनंद, आनंद सर, जीप में लिफ्ट दी थी ना। अच्छा अच्छा अच्छा, आओ आओ आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, आ जाओ। नमस्ते, नमस्ते सर। सर, आपका कुत्ता काटता तो नहीं है ना? बहुत भौंक रहा है। तुम्हें देखकर नहीं, इसे देखकर। चलो अंदर आओ। क्या बात है भाई? बात यह है सर कि मैंने सुना है ऊपर का घर खाली है। किराए के लिए? हाँ सर। मैंने तो कोई ऐड नहीं दिया। पेपर में नहीं आया सरदार जी, लेकिन वो बाजू की गली में एसटीडी बूथ वाले टेढ़े मुंह वाले सिंह साहब है ना, उन्होंने बताया। तेरे से भी ज्यादा टेढ़ा मुंह है क्या उनका? मेरा तो फिर भी चलता है, उसका तो। चुप कर यार। मैं तो तब से चुप। पापा जी, ये दोनों यहाँ किस लिए आए हैं? अरे बेटा, किसी ने इनसे कहा है कि हम अपना ऊपर का घर किराए पर देने वाले हैं। हमारे पास तुम्हारे लिए कोई कमरा नहीं, कहीं और जाकर ढूंढो। ये क्या बोल रही है? किराए पर नहीं देना है, खास कर तो हमें और तुम्हें नहीं देना है, ऐसा कह रही है बीच में घुसकर पाकर कहीं की। मैडम, वी आर डिसेंट पीपल, इफ यू हैव एनी कंडीशन वी विल एक्सेप्ट, प्लीज मैडम। नो वे, मुझसे बात मत करो, ये मेरा काम नहीं है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। पापा, पापा अंदर आइए। आया बेटा, रुको मैं चाबी लेकर आता हूँ। ठीक है सर। अरे क्या हुआ, तुम्हें कितनी बार समझाऊं, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? पहले तो करके सिर हिलाते हो और फिर धीरे धीरे सब भूल जाते हो। तुम मुझे दोषी मत ठहराओ। तुम्हें कोई सेंस है क्या? जैसा तुमने कहा वैसा मैंने किया, लेकिन तुमने क्या किया? एक तो पहले ही डरा हुआ हूँ कि कहीं तुम्हारे डैडी के सामने पकड़ा ना जाओ। तुम्हें पता है तुम्हारे डैडी से मुझे कितना डर लगता है? मैं उनसे अच्छी तरह बात करके उनसे हाँ बुलवाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत पड़ गई? वो बस हाँ ही कहने वाले थे कि तुमने सारा खेल बिगाड़ दिया। तुम्हारी बात से ही पता चल रहा था कि कोयम्बतूर एग्रीकल्चरल कॉलेज से पढ़ी हो तुम। अच्छा अब गुस्सा छोड़ो, जो होगा देख लेंगे, मेरी बात सुनो। ये लो। क्या है? कोयम्बतूर से मेरी सहेली गौरी का लेटर है। क्या लिखा है उसने, बोलो। लिखती है, मेरी शादी अच्छी तरह हो गई है, तुम और आनंद कब शादी कर रहे हो? घर वाले अगर नहीं मानते हैं तो तुम दोनों को रजिस्ट्री मैरिज कर लेना चाहिए, फिर वो जरूर मान जाएंगे। यही सब कुछ लिखा है उसने चिट्ठी में। अगर हमें ऐसे ही शादी करनी होती तो हम 6 साल पहले ही कोयम्बतूर में शादी न कर लेते और आज अपने बच्चों के साथ होते, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, इसीलिए मैंने तुम्हें तमिलनाडु से यहाँ बुलाया, जिससे मेरे घर वालों को मना सको। यही मेरा मकसद है, मेरे घर में आकर रहना ही तुम्हारे लिए काफी नहीं होगा आनंद, सबका दिल जीतना होगा। हमारे यहाँ अगर दूसरे समाज में शादी करो तो खून खराबा हो जाता है। मैं एक शहर से दूसरे शहर में आया हूँ, भाषा भी कोई बड़ी बात नहीं, और मुझे कुछ हो गया उसकी भी फिक्र नहीं, लेकिन मेरी वजह से अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ये मैं नहीं सह पाऊंगा। तुम्हें मालूम है हम जहाँ पर अभी खड़े हैं इसे जलियांवाला बाग कहते हैं। यहाँ अंग्रेजों का विरोध करने के लिए बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और उन्हें मारने वाला था जनरल डायर। उनमें कोई जात पात की बात नहीं थी, ना कोई अलग भाषा की बात थी। यही वो कुआं है जहां पर 130 लोगों ने कूद कर अपनी जान दे दी थी। उनमें कोई जात पात नहीं थी, सबने बचने की कोशिश की थी। तुम जात और धर्म को क्यों मानते हो? हम जरूर एक होंगे। ये पौधा कहां से लाई हो? यहीं से। किस लिए?
अब से मैं सिर्फ इस पौधे का ही फूल लगाऊंगी। सोनी तेरी चाल सोनी रे, लगे दी कमाल सोनी रे। कहाँ से आ रहे हो ये ऐसा भेष बनाकर? भेष नहीं, यहाँ काम करना है तो हुलिया बनाना पड़ता है। हमारे यहाँ दूध देते ही पैसे मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ की बात कुछ और ही है। यहाँ दूध देकर उसकी चाय कॉफी हॉर्लिक्स बनाकर पीते हैं, और टेस्ट ठीक लगे तभी जेब से पैसा निकलता, नहीं तो नहीं। गाँव छोड़कर इतने साल पंजाब में रहने के बाद वापस जाने की सोचा तो ये आके टपक गया। आपने हमारी इतनी मदद की है, हम कैसे आपका शुक्रिया? कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे बाप का आधा चेहरा उनकी पगड़ी में और आधा चेहरा दाढ़ी और मूछ में छुपा रहता है। इसके बीच में जो गैप है और उसमें जो बड़ी बड़ी आंखें हैं, वो क्या कर रही हैं? अगर तुम ये बता दो तो काफी होगा। उनकी आंखों के एक्सप्रेशन अगर हम समझ गए तो सब टेंशन दूर हो जाएगी। अच्छा अब मुझे जाना होगा। कोई बात नहीं, अब सीधा घर में मिलते हैं। मुझे भी जाना है। क्या बाबा जी चंगा हो? बहुत जोर की भूख लगी है, चलो कुछ खाते हैं। भूख लगी है, कोई बात नहीं। सुन यार, अपना दोस्त है ना वो राज, उसकी भतीजी की शादी है, वहाँ चलते हैं, वहाँ पेट की आँख की दोनों की भूख बढ़ जाएगी। चल बैठ। दिल्ली वाले पंजाबन, एक लड़की दिल में आ गई है। दिल्ली वाले पंजाबन, एक लड़की दिल में आ गई है। उसके बिन जीना है मुश्किल, हाँ मुश्किल भाई। उसके बिन तो जीना भी मुश्किल है मुश्किल भाई। मतलब एक ही है, मजहब हो चाहे कोई। खून का रंग एक है, एक सबका दिल। खून का रंग एक है, एक सबका दिल। चेन्नई हो या पंजाब हो या हो कोई जगह, सब जगह चलती है मेरे यारों एक जैसी हवा। प्यार नहीं छुपता है छुपाने से ये बोले दिल। मस्ती में मैं नाच रहा हूँ, उड़ रे मेरा दिल। दिल्ली वाले पंजाबन, एक लड़की दिल में आ गई है। दिल्ली वाले पंजाबन, एक लड़की दिल में आ गई है। उसके बिन जीना है मुश्किल, हाँ मुश्किल भाई। उसके बिन जीना है मुश्किल, हाँ मुश्किल भाई।
आते जाते मौसम सा, प्यार नहीं है अपना दिल, ये किस्मत की बात है सुन, किसी को जाता है कोई मिल। कल तक नहीं था तेरा दिल हाँ मेरा दिल, कल तक नहीं था तेरा दिल हाँ मेरा दिल, एक पल भी ना रह पाऊंगा मैं तो तेरे बिन, तुझसे जुदा होके मैं जीऊँ ना आए ऐसा दिन, तेरे नाम लिख दिया मैंने अपना प्यारा प्यारा दिल, तेरे बारे में ही सोचूं मैं तो सारा सारा दिन। दिल्ली वाले पंजाबन एक लड़की दिल में आ गई है, दिल्ली वाले पंजाबन एक लड़की दिल में आ गई है, उसके बिन जीना है मुश्किल हाँ मुश्किल भाई, उसके बिन जीना है मुश्किल हाँ मुश्किल भाई। आपको मेरा खाना पसंद नहीं है तो बता दीजिए, मैं चली जाऊंगी, लेकिन आप लोग इस तरह चिल्लाइए मत, मैंने थोड़े यहाँ आने के लिए कहा था, आप ही मुझे यहाँ लेकर आए थे, नहीं तो मैं वहाँ बहुत खुश थी, अब तक अपने प्रेमी से शादी करके घर बसा लिया होता। अगर अब आप मुझे डांटना ही चाहते हैं तो मेरी भाषा में डांटिए, अपनी भाषा में डांटेंगे तो मुझे क्या समझ में आएगा। हाँ अगर आपको ये शर्त मंजूर नहीं है तो बता दीजिएगा, अब मुझे जो समझ में आया आपको वही बोलना होगा, और मुझे उल्टा सीधा बोलने का कोई हक नहीं है आपको। अरे बाबा बाबा नहीं कोयल, ये कह रही है मैंने इसके रिश्तेदारों की खातिर नहीं की, अब मैं इससे पहले की तरह प्यार नहीं करता हूँ, अब इतने सालों बाद ये सब बातें अच्छी लगती है क्या, तू ही बता मैं इसे क्या कहूँ। पंजाबी सीखने को कहा तो तुम सीखती नहीं हो और सब गलत समझती हो, तुम भी ना कोयल। एक बात तो तय है कि हम सब तेरे खाने के पूरी तरह से दीवाने हैं, समझ रही है ना तू? तो आप मुझे नहीं डांट रहे थे? ना ना। तो हम कॉम्प्रोमाइज कर ले। ओके। सरदार जी। नमस्ते। नमस्ते। कौन है? हम नया है इस घर के ऊपर रहने को आया है। सरदार जी अंदर है? हाँ है, यही रुकिए साहब। आरो रेंट पर सामान जटाड़ बंद करांगा। आ गए, ऊपर का घर साफ कर दो। ठीक है भाई, ये तो अपने गांव को लग रहा है। ए, क्या बोल रहा है तू, चुप कर। ए भगवान, इसके लिए सेट कर दी, मेरे लिए भी सेट कर दे, तू क्या चाहता है मैं कुआरा रहूं? चारिंगा ये नंगा। ये नंगा? हम एक ही गांव के हैं। अच्छा क्या नाम बताया? कोयल वाली। कोयल नाम? हाँ। कोयल का मतलब, मेरा मतलब सुंदर, यानी तुम फिल्म में आने वाली हीरोइन जैसी हो। आई एम पावन डरायन बनरूटी से। लगता है हम दोनों नजदीक के रहने वाले हैं। तुम कहाँ से हो? आ गए अपने औकात पर। तुम पहले नाम पूछोगे, फिर गांव पूछोगे, फिर धीरे धीरे अंदर घुसने की कोशिश करोगे, मार कर सीधा कर दूंगी। ये क्या मतलब? समझ गया, मेरा रास्ता अलग है। बैंक जा रहा हूँ मैं, एक घंटे में आ जाऊंगा। बेटा अमृता, बाबूजी, इन्हें जो चाहिए इनका ख्याल रखना। हाँ जी। ओके ओके, फिर मिलते हैं। थैंक यू। बाय बाय। हाय अनंत, सब सामान आ गया ना? हाँ थैंक्स, थैंक्स अ लॉट। अमृता बेटी चलो चलते हैं। हेलो मिस्टर। यस मैडम। अपनी शर्त याद है ना तुम्हें? हाँ। सर हिलाने से नहीं चलेगा, फोन है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सबको उसका नंबर दे दो और हमें परेशान करो। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? अच्छे से अपने दिमाग में रख लेना। मैडम आप कितना अच्छा बोलती हैं, आप तो बिल्कुल तमिल लगती हैं। ये दुनिया रंगमंच, हम सब कलाकार हैं। राजेश खन्ना ने ठीक ही कहा था, लेकिन ये राजेश खन्ना ने नहीं कहा। ए पगड़ी, पहले दूध वाला कहा, अब नाटक वाटक वाले कह रहे हो, सच सच बताओ तुम लोग हो कौन? देखो मैं पहले से परेशान हूँ, तू मुझे और परेशान मत कर। तुम्हारी शक्ल देखकर तो मुझे पहले दिन से ही तुम पर शक हो गया था। तुम किसी को भी बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन साहब को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। अरे हमारे यहाँ तमिलनाडु में तो कई बड़े साहब हैं, तू किसकी बात कर रही है? अपने छोटे साहब के बारे में कह रही हूँ।
किसने भेजा तुझे? Who are you? किसने भेजा तुझे? बोल, बता किसने भेजा? मार डालूंगा तुझे। अरे अभी तो भारत की धरती पे शांति आई है, और इस धरती पे तू क्यों आया है? तेरे यहाँ आने का कारण क्या है बता मुझे। तेरा बाप भी सब बताएगा। मालूम है मुझे तू पाकिस्तानी है। बता तेरा गैंग किधर है? मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, चाहे कितना भी मार ले। पुलिस के चमचे। हौलदार जवाहर सिंह, 2 दिन के अंदर तुम्हें पूरे पाकिस्तानी माफिया का पता लगाना है। वो मर्द होंगे तो सामने आएंगे, तुम डरो मत, मैं हूँ ना। सुनो भैया आ रहे हैं, आतंकवादियों के पास से फोन आया था, ये बात उन्हें मत बताना, जाकर कॉफी लेकर आओ। भाभी चुप हो जाओ। डर मत, रोने की क्या बात है इसमें? हमारी जिंदगी में ऐसे फोन आते रहते हैं, बी ब्रीफ। अमृता तू तो एक बहादुर लड़की है, तू क्यों नहीं समझाती इसको? ऐसे फोन पे की गई धमकी की परवाह नहीं करनी चाहिए। मोहब्बत जिंदा रहता है, मोहब्बत कभी नहीं मरती। इधर आओ। नमस्ते। नमस्ते। कौन हो तुम? हम दूध वाला ऊपर रहते हैं। तमिलियन? यस। व्हाट इज दिस? दिस इज पगड़ी। उतारे से। साहब आपके राज में मुझे ये बहुत पसंद है, इसलिए पहन लिया मैंने, बुरा मत मानिए आप। ऐसी बातें तो पहन लो। थैंक्स। कौन है ये? अबे ये अमृता का भाई है। ओ, भाई है। सर गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग। आओ आनंद। आनंद मीट माय सन महेंद्र सिंह आईपीएस, और ये आनंद है, सॉरेस्ट ट्रैक्टर्स में काम करता है। हेलो। हेलो, हाउ आर यू? फाइन सर। आप जो कॉफी पी रहे हैं मैं इस दूध की सप्लाई करता हूँ।
समझी भूलभुआ हम तुझ में ही खोने लगे मेरे होने लगे। तुझ पे फूल कब आएगा? कब मैं वो फूल तोड़ूंगा? हाँ आनंद। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। क्या भाई इस पौधे से बात करते रहते हो? कोई खास पौधा है क्या? ये मेरे प्यारे दोस्त ने दिया। ओ पंजाब में भी दोस्त हैं? तब तो जरूर खास पौधा होगा। लाओ भाई हम भी इसे पानी दे दें। लो प्रोसीड आगे बढ़ो। हाँ ठीक है। थैंक यू सर। क्या हुआ? उदास क्यों हो गए तुम? किस लिए ये सब? पहले तो हम सब एक ही थे, आजादी मिलने के बाद ये बंटवारा हो गया। एक तरफ पाकिस्तान का गेट और एक तरफ इंडिया का गेट। भाई भाई आखिर दुश्मन कैसे हो गए ये सोचकर बहुत दुख होता है। हमारी मातृभाषा भी हिंदी है, उनकी भाषा भी हिंदी है, फिर ये भेदभाव क्यों? बताइए सर, आदमी आदमी के बीच ये कैसा बंटवारा है? चल बेटा चल। पल देसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के पल दे दी। 500 रुपए लेकर अंदर रख लिया और अब 100 रुपए कह रहे हो? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, पुलिस वाले को बुलाकर तुझे अंदर कर दूंगी, तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगी। दे मेरे पैसे, दे देना रे, कोई सुना मेरी बात, इसने मेरे पैसे लूट लिए। अरे तेरा सत्य
मेरा नाश हो, तेरी दुकान को आग लगे। आओ कोयल। अरे तुम दूध वाले, आओ आओ। आ गया आ गया आ गया, क्या हुआ? दूध वाले तुम अच्छे समय पर आए हो, मेरी मदद करो। मैं अच्छे समय पर ही आता हूँ और अच्छी बात करता हूँ। कोयल, आज हम दोनों को अच्छा मौका मिला है और हम दोनों अपने दिल की बात करेंगे। कोई समझेगा भी नहीं, हम चिल्ला चिल्ला के बात करेंगे, चाहे कितना भी चिल्लाओ, है ना बे? सस्रीकाल भाई साहब। देखा, मैं बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। मैंने 90 रुपए की सब्जी खरीदी, मैंने इसे 500 रुपए दिए और 410 की जगह ये मुझे 10 रुपए वापस दे रहा है। अब तुम्हें किसी तरह मेरी मदद करो, इस आदमी से मेरे पैसे वापस दिलाओ, मेरी मदद करो, नहीं तो वो लोग मुझे डांटेंगे। अब तुम्हें बताओ, तुम्हें कुछ करो। बस इतनी सी बात है। अब देखो, अब आवे क्या कर दे, कास्ते मन तो तब बताए कहा तो तेरे बेटा छुट्टा बरा पत्थर बरा कुत्ता बरा तो बता तो बात रिया भूखा तो आज छोचो खाचो छोचो मा तो थूता तो ठोट ठोखाचे छो तू तू तो करा 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 बोल में बड़े तला तो बजे टुपने उपने छुआ तो मरा कट के मूट में हाथ मरा मुंह में डटा हुआ ठीक छुआ खिंच पे मत देगा छुट्टा पड़े कुत्ता पड़ा उता पीता कोता कपोच चले ये गावा भी क्या नगवारी के उपाय क्या करा क्या हुआ भाई साहब ऐसे ही लड़ रहे हैं पैसा दे चल ले जान छोड़ ये हम भी दे अरे वाह पैसे वापस दे दिए तुमने क्या कहा उससे अरे ना उसकी समझ में आएगा ना तुम्हारी समझ में आएगा पल देसी टाटा मैं भी यहाँ 15 साल से रह रही हूँ रोज बाजार आती जाती रहती हूँ लेकिन आज तक ऐसी भाषा नहीं सुनी तुमने ऐसा क्या कहा उससे मेरा कमाल कैसा कमाल सच बताओ उसने तुम्हें ना समझ में आने वाली भाषा बोलकर बेवकूफ बनाया मैंने उसकी समझ में ना आने वाली भाषा बोलकर उसे बेवकूफ बनाया ऐसे कौन सी भाषा बोली ये अलग है मेरी भाषा है सेल्फ फैंसी की गो ओ ऐसा क्या बिल्कुल कोयल कुलदीप कुलदीप नोटिस बोर्ड पे लिखा है कि तुझे नौकरी से निकाल दिया गया है वो तमिल आदमी और उस केरला वाले का काम है ना मुझे नौकरी से निकाला ना तुझे जान से मार दूंगा आनंद साहब आनंद साहब राव साहब को कुलदीप मार रहा है कुलदीप छोड़ दो उन्हें मैं कहता हूँ छोड़ दो तू उसका साथ देता है तुम बीच में मत आओ हट जाओ ए, तामिल को गाली मत देना वरना जान से मार दूंगा क्या देख रहे हो सब चलो आइए सर
जाने दो आनंद, छोड़ दो इसे। चलो आओ। तुम क्या खुद को बॉक्सर समझते हो? थोड़ा चुप नहीं रह सकते थे? देखो हाथ में कितनी चोट लगी है। बच्चों जैसी बातें करते हो। मुझे दो, मैं खुद खा लूंगा। दे दो। ज्यादा होशियार मत बनो, मुंह खोलो चुपचाप। चलो जल्दी करो। ठीक है। सॉरी सॉरी। ऐसे क्या देख रहे हो? दोनों आंखें निकाल दूंगी तुम्हारी। ऐसा ही करना तुम। जिन आंखों से मैं तुम्हें देख रहा हूँ उसे निकाल देना, फिर मैं चैन से रह पाऊंगा, क्योंकि उसके बाद तुम्हें देखना तो नहीं पड़ेगा। ओ, मेरी मूंछ। मुझे निकाल दे। ऐसे कैसे निकल जाएगी? सुनो, मेरे लिए यहाँ आकर बहुत मुसीबत उठा रहे हो ना। बहुत जल्दी हम घर में सबको बता देंगे, सब अच्छा हो जाएगा ना। हाँ, तुम जब से आई हो मेरे साथ ऐसी ही बातें कर रही हो। यहाँ मेरे पास आकर बैठो, सिर्फ 10 मिनट तुम्हारी गोद में सर रखकर सोने दो, प्लीज प्लीज। बहुत बदमाश हो तुम। तुम्हारा भाई आ गया, जाओ। What is this, अमृता? Where were you? क्या कर रही थी अंदर इतनी देर तक? सबके सब बह रहे हो गए, दरवाजा खोले कोई नहीं आता। कितनी देर से हॉर्न बजा रहा हूं मैं। ओ, आ जीते रहो। खुश रहो बेटा। मेरी बना जी। जीते रहे पुत्र। और जी बताओ क्या हाल है? वाह कितना सुंदर। ओ सॉरी 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 सर। भाई साहब ये ऊंट कितने का है? अरे बेवकूफ, ऊंट कहा तो घोड़ा दे रहे हो। घोड़ा मांगूंगी तो ऊंट दोगे? ये सामान दो मुझे, दो 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 जल्दी। इस ऊंट की कीमत क्या है? 650। अरे बाप रे। सुनो, मैंने जिंदा ऊंट का नहीं इसका दाम पूछा है। क्या प्राइस है इसका? 650। अच्छा तो अब इसे घर ले जा। अच्छा छोड़, इसका दाम बता। अरे तुझे सुनाई नहीं देता, मैं कब से कह रही हूँ। अरे इसका दाम बता, इसका। साबजी साबजी साबजी, मुझे ये पसंद है, मैं इसे ले लूँ। देख रही हो, इनसे बात कर रहा हूँ मैं। हा? चलो जाओ, तुम जाओ जाओ। हाजी पाजी, फिर उसके बाद तो वो रंग जमा। ए, नाराज हो गई हो मुझसे? लेकिन तुम्हें पता है मैं उस वक्त किससे बात कर रहा था? मुझे क्या पता। वो जो लड़का खड़ा है वहाँ उस तरफ, वही अमृता का होने वाला दूल्हा है। क्या कहा? वो तो बहुत सुंदर है, दोनों की जोड़ी बहुत जमेगी। बस उसकी दाढ़ी थोड़ी अच्छी नहीं है। उसकी दाढ़ी काट दे तो वो नहीं, जोड़ी दोनों की बहुत अच्छी लगेगी। सुपर। मुझे इतनी सी चोट क्या लगी और तुम इतना परेशान हो गई? मुझसे इतना प्यार करती हो क्या कि चोट यहाँ मुझे लगती है और दर्द तुम्हें होता है? जल्दी ही हमारी शादी हो जाएगी और फिर हमारा एक संसार होगा, फिर कुछ सालों में हमारे बच्चे भी हो जाएंगे। कहो कैसा लगा? उसे कुछ भी लगता हो, लेकिन तुम यहाँ अकेले में बैठकर किससे बातें कर रहे हो, हमें भूल गए? ए, इस अमृता को देखने के लिए तमिलनाडु से पंजाब में आए हो तुम, और उसी के घर में रहकर उसे रोज ही तो देख रहे हो। अबे किसकी तस्वीर देख रहे हो तुम? ए, तुम अपने आप को MF हुसैन समझते हो क्या, जो माधुरी की तस्वीर बनाकर देख रहे हो? देखो मुझे उन दोनों सरदारों के बारे में सोचते डर लगता है। तुम मुझे उनका शिकार मत बना देना, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं ये दोनों हमें मार मार कर गाँव वापस ना भेज दे। भाई एक काम करो, इस तस्वीर को फाड़ कर बाहर फेंक दो। फिक्र मत कर, जो भी होगा मैं देख लूंगा। ए, बाद में बहुत मुश्किल होगी, देख लेना, मेरी बात मान ले। क्या गड़बड़ है, क्या हो रहा है? इतने
शोर क्यों है? कुछ नहीं, वो कुछ दिन पहले भूचाल आया था ना, उसी के बारे में बात कर रहे थे। मैं तो समझू कोई बड़ी मुसीबत आ गई है। अच्छा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है, कोई तस्वीर है? अच्छा? मर गए, अरे छुपा ले। फिर तो मैं जरूर देखूंगी। दिखाओ, छुपा ले। देखूंगी। आप समझती नहीं है, ये तेरी जिंदगी का सवाल है। अरे सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो। बाप रे, ए क्या गजब करते हो, यहाँ इसलिए आए हो क्या? तुम लोग के नाटक देखे मुझे समझ जाना चाहिए था। ओहो, ये सब करने के लिए यहाँ आए थे? मैं तुम लोग को छोड़ूंगी नहीं। अभी जाकर साहब को ये सारी बातें ना बताई तो मेरा भी नाम कोई नहीं। अभी देखो मैं क्या करती हूँ। अरे रुको, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। कहाना, ये तीन जिंदगियों का सवाल है, प्लीज हमारी बात सुनो प्लीज। कोयल कहाना, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मान जाओ। ये सब यहाँ नहीं चलेगा। मैं अभी जाकर सरदार जी को तुम दोनों के करतूत के बारे में जरूर बताऊंगी। फिर देखना, या तो तुम रहोगे या तो मैं रहूंगी। चलो जाओ यहाँ से। ए, जाकर बताएगी तू? हाँ, जा बता ना। छोड़ना यार। चुप रह। ए, तुझे बताने का ज्यादा ही शौक है ना, अब तू भी मेरी बात गौर से सुन ले। तमिल पेपर में दिखाई देगा कि एक तमिल लड़की का बोटी बोटी करके खून कर दिया गया। वो न्यूज पढ़ने के लिए तू जिंदा नहीं रहेगी, ऊपर चली जाएगी, समझी? किसे धमकी देता है तू? डराएगा तो क्या मैं डर जाऊंगी? नहीं, मुझे तो समझ नहीं पाया। मैं कोयम्बतूर और पंजाब का मिक्स हूँ। लात मारी तो बन रोटी में जाकर गिरेगा, समझा? सड़े टमाटर, दूध बेचने वाली में इतनी मस्ती है तो खाना पकाने वाली में कितनी मस्ती होगी। तू देखना, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। क्या हाल करती हूँ तेरा? मार मार के तुम दोनों का भुर्ता ना बना गया तो मेरा नाम भी कोयल नहीं, मुझे धमकी देता है। अब क्या कर रहे हम लोग? एक काम कर, इसको आने से पहले फाड़ दे। ए, जो होता है हो जाने दे, मैं भी किसी से डरता हूँ। वही तो, तुझे क्या लगता बड़ी शांति से काम निपट जाएगा? हे भगवान, इसको समझाओ, मेरे मरने के बाद मेरी लाश मेरे रिश्तेदार नहीं देख पाएंगे। मैंने पूरे पंजाब में दूध डाला लगता है, कल पंजाब मुझे दूध पिलाएगा। ए, मुझे परेशान मत कर यार, सोचने दे अब, मैं सोचता हूँ, चल। हे बारा, दूध वाला, दरवाजा खोल। हे, दरवाजा खोलता है या तोड़ दो। अरे मर गए, दरवाजा खोल जल्दी। जिसका डर था वही हुआ। उठ, उठ, खोल दरवाजा। चल मत, चक्कर भाग जाते, वो मारने आया हमें। दरवाजा निकल, जल्दी निकल, चल निकल, चल 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 चल, भाग ले। खोला दरवाजा। तेरी इतनी हिम्मत मेरी बहन की तस्वीर बनाता है? जल्दबाजी कर रहे हैं। तुझे छोड़ूंगा नहीं। देखिए, बात क्या है ये तो बताइए। तू मुझे समझाएगा? मुझे मारे बिना मैं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं सर। मेरी बात सुनिए पापा। अब और भी कुछ बोलना बाकी है क्या? तेरा बेटी की तस्वीर बनाई, गर्दन काट दूंगा। कहां है वो? ए दूध वाला, यहाँ आकर छुप गया। तुझे काट के टुकड़े टुकड़े नहीं किए। मेरा भी नाम सुरजीत सिंह नहीं, मैंने तुम लोगों को आसरा दिया और तुम मेरी इज्जत से खेल रहे हो। जा यहाँ से, चल जा यहाँ से। कितनी सुख की नींद सो रहा है और मेरा डर के मारे हाल बुरा हो गया। एक गर्भवती महिला को दुल्हा चाहिए। क्या क्या? एक बार वही तो पढ़ रहा हूँ। एक गर्भवती महिला को दुल्हा चाहिए, आज की ताजा खबर है। क्या जमाना आ गया है, पेट से होने के बावजूद शादी करना चाहती है। कलयुग है भैया, घोर कलयुग है। ए बेवकूफ, कुवैत की लड़की को लड़का चाहिए लिखा है, ठीक से पढ़। एक लड़की को लड़का चाहिए जो गर्भवती है, अबे ठीक से पढ़। हाँ तू बोल, तू तो ये सुनने के लिए बहुत जल्दी आ गया। तेरे सर पर पीला कपड़ा भी है और तू लंबा भी कम नहीं है, फिर भी तेरा दिमाग क्या घास चढ़ने गया है? चल भाई ऐसे, चल। ए, तीन डोसे दो कटिंग चाय दे, दिमाग खराब करता है। केंद्रीय मंत्री की गाड़ी पेड़ से टकरा गई, इसलिए मंत्री की जान झूला झूल रही है। देख, मुझे ज्यादा टेंशन मत दे, इस अखबार को तमिलनाडु से आने में 4 दिन लगे हैं, समझे? अब तक तो वो मंत्री
राम राम हो गया होगा, उसका क्रियाक्रम समाप्त हो गया होगा। वहाँ पर घास भी उग गई होगी और घास को बकरी भी खा गई होगी, बकरी को काट काट कर लोग भी खा गए होंगे। अब तू यहाँ बेकार में खड़ा होकर मेरी जान मत खा, जाकर कुछ काम कर जा। यहाँ पर हमारी जान झुलझुला रही है, मंत्री की जान। ए तीन डोसे। हाँ। अरे क्या हुआ? जरूरी बात है। क्या बात है, यही बताओ। नहीं, यहाँ नहीं, मेरे साथ चलो। अच्छा चलो। ए अमृता, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, बताओ। मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे लिए घर में लड़का देख चुके हैं, कोयल ने बताया, घर में सब बहुत खुश है, मेरी मर्जी जाने बिना ही, तुम्हारे बिना मैं तुम्हारे बिना क्या मैं जी पाऊंगा? आनंद, यहाँ क्यों खड़े हो? मंदिर नहीं गए? चलो चलते हैं। हाँ चलो। अब तुम ठीक हो ना? पता चला मुझे तुम्हारी कंपनी में जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं हुआ। क्या करें, अच्छे लोगों के बीच कुछ बुरे लोग भी होते हैं। दोबारा कुछ ऐसा हो तो बताना, मेरा बेटा देख लेगा, वो तो पुलिस में है, तुम तो जानते ही हो, है? सब ठीक हो जाएगा। यहाँ आकर कितना सुकून मिलता है। जो भी तकलीफ हो, जो भी तुम्हारी समस्या हो, रब के सामने उसको बयान कर दो, वो सब कुछ संभाल लेगा। वो बहुत दयालु है, वो सबसे प्यार करता है, और तुम तो बहुत ही अच्छे इंसान हो। नहीं सर, आप जैसा अच्छा आदमी हमेशा खुश रहता है। आनंद, मैं भी खुश हूँ कि तुमसे मुलाकात हुई। देखो सच्चाई ये है कि अगर तुम अच्छा सोचोगे तो तुम्हारा अच्छा ही होगा। अच्छा ये बताओ, कंपनी से तुम्हें तनख्वाह कितनी मिलती है? सर 11,000 सर। तो तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? भाई शादी करके तो तुम खुश रह सकते हो ना? रह सकता हूँ सर। गांव में कोई है क्या? हाँ? किसी से प्यार करते हो तो मुझे बताओ, मैं मदद करूंगा। सर ए परेशानी है क्या, मुझे बताओ ना। हाँ? मैंने कहा पापा जी सत श्री अकाल। ओ जी सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। और भाई सब ठीक है? हां जी ठीक हूं। ओ पुत्र कैसा है तू? हां जी सत श्री अकाल। बेटे नमस्ते कर। हां जी हां जी जरूर आएंगे। हां अंदर से। हां दर्शन कर ले। हां अच्छा जी, कल फिर आप मुझे फोन करना। हां जी जरूर। जो गलती करते हैं उन्हें ये सेवा करनी होती है। तुमने कौन सी गलती की है? ये जूते क्यों साफ कर रहे हो? सर आप जैसा सोचते हैं मैं वैसा अच्छा आदमी नहीं हूं सर। मेरा यहां पंजाब आना, आपके घर में रहना, आप सबका दिल जीतना, ये सब एक प्लान था। कोयम्बतूर में जब अमृता पढ़ती थी तब से हमारी दोस्ती है। हमने सोचा था समय आने पर आपको सब सच सच बता देंगे। मैं उससे प्यार करता हूं सर। अमृता सुनते नहीं, अमृता ए
जहाँ हम लोगों ने पढ़ाई करने भेजा था वहाँ पे, खानदान का नाम खराब करने के लिए। नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। नहीं महेंद्र, ना देख तुझे रब ना वास्ता, छोटी बहन के ऊपर हाथ नहीं उठाते बेटा। रास्कल, ऊपर क्या कर रहा है, नीचे आ। ए कोयल, तुझे सब कुछ पता है, तू जानते हुए भी सब कुछ अनजान बनी रही। मैं सच कहती हूँ, मैं कुछ नहीं जानती। आनंद, तू रुक, मैं जाता हूँ। नहीं, मैं ही जाता हूँ। तुम सब ने मिलकर मुझे धोखे में रखा। तू जानती है तेरे लिए कितने बड़े खानदान में शादी तय की हमने, कहाँ से तुझ में इतनी हिम्मत आ गई? हाँ, खानदान का नाम खराब कर दिया। हाँ, और तुम, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी चाहिए। पुलिस वाले के घर में रह के पुलिस वालों के आंखों में धूल झोंक रहा है। हाँ सर, आपने जो भी कहा ठीक कहा। मैं यहाँ प्लान करके आया था, लेकिन आप सबसे दोस्ती करके, आप सबकी मर्जी के साथ आशीर्वाद लेकर अमृता से शादी करने के लिए, आपकी इज्जत को आंच ना आए इसलिए हम दोनों ने हमेशा एक हद में रहकर प्यार किया है सर। लेकिन आप ठीक कहते हैं, इस सब का कारण मैं ही हूं, मैं ही जिम्मेदार हूं इसके लिए। आप लोगों ने जो अमृता की शादी तय की है, मैं उसमें रुकावट नहीं बनूंगा सर। जो भी सजा मिलनी है मुझे मिलनी चाहिए, गलती सिर्फ मेरी है, किसी और की नहीं। इसलिए सजा सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए, अमृता को नहीं। प्लीज प्लीज अमृता को सजा मत दीजिए सर, प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। यू रास्कल, इतने साल प्यार करके तो नाटक कर रहा है। हाँ? हट जाओ पीछे, कोई बीच में नहीं आएगा। नहीं भैया, नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं, इन्हें मारने से पहले आपको मेरी जान लेनी होगी। प्लीज, मैं इनके बिना नहीं रह पाऊंगी, नहीं रह पाऊंगी, मैं इनके बिना नहीं जी पाऊंगी। सब वाहेगुरु की कृपा है। थैंक यू सर। ठीक है पुत्र। हे भगवान।
जल्दी करो। अमृता आजा पुत्र। थैंक्स। आनंद जी, शादी में तुम्हारे दोस्त रिश्तेदार सब आ जाने चाहिए। हाँ, एक काम करो, इन नेगेटिव्स का प्रिंट निकाल लो, ठीक है? ठीक है, आपने जिस स्टूडियो से करवाया उसी स्टूडियो से मैं कॉपी करवा। ओके ओके आनंद, थैंक यू। सरदार जी नमस्कार। ओके आनंद, ओके अपना ख्याल रखना। ओके सर। आनंद बाय। बाय, अपना ध्यान रखना। ओके। आनंद, जैसा ससुर जी ने कहा शादी में वैसा ही करना, दोस्त रिश्तेदार सबको बुलाना। ठीक है, जैसा उन्होंने कहा सभी दोस्तों रिश्तेदारों सभी को मैं निमंत्रण भेजता हूँ, खासकर पनीर और सेलम को बुलाना, नहीं तो वो हमें जान से मार देंगे। अरे हाँ बाबा, सुना। यार मुझे वो ट्रक वाले पे शक है। तो फिर गाड़ी को रोको, वो कब से जीप को फॉलो कर रहा है।
कितने प्यार से इस पौधे को पाला था। जब इस पौधे में फूल आ गया है तो देखने के लिए वो नहीं है। समय भी कैसा खेल खेलता है और हमें भी समय के साथ चलना पड़ता है। तुम क्या चाहते थे और क्या हो गया? मैं तुम्हारी ऐसी हालत नहीं देख सकता। आनंद, तुम कुछ दिन के लिए यहाँ से अपने गांव चले जाओ। जगह बदलने से मुझे लगता है तुम्हारा मन भी बदल जाएगा। मुझे भी यही ठीक लगता है। तुम्हारे वहाँ आने की खबर एमडी को दे दी है, रिटायर्ड ब्रांच ऑफिसर। रेलवे स्टेशन से तुम्हें ले जाने के लिए प्रशांत और सेल्वम आ जाएंगे। ट्रेन छूटने का टाइम हो रहा है आनंद, चलो जल्दी करो। पंजाब से जब फोन पर बताया तो हमें बिल्कुल यकीन ही नहीं हुआ। हम सबको छोड़कर पंजाब जाकर इतनी मुसीबत उठाई, और जब सब ठीक होने वाला था शायद भगवान को मंजूर नहीं। मौत एक ऐसा कर्ज है जिसे हर इंसान को एक न एक दिन चुकाना पड़ता है। भगवान किसी से ये कर्ज जल्दी ले लेता है, किसी से बाद में, लेकिन लेता ज़रूर है। तुम्हारी कंपनी के एमडी ने बुलाया था, कल उनसे मिलने गए थे। बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्हें बहुत दुख हुआ। कहा कि अब आनंद का हमें ही ध्यान रखना है। उनकी बात से हम भी सहमत हैं। उन्होंने गेस्ट हाउस की चाबी दी। आनंद, अब तुम्हें नई ज़िंदगी शुरू करनी होगी। भगवान एक दरवाज़ा बंद करते हैं तो भगवान दूसरा दरवाज़ा खोल देते हैं। अरे ये क्या, दूध के पैकेट बाहर पड़े हैं? इस काम के लिए कंपनी ने गेस्ट हाउस में एक लड़के को रखा था, कहाँ गया? मुझे लगता है काम पसंद नहीं आया होगा इसलिए भाग गया। बुलाओ उसे। राम प्रसाद, पेड़ को पानी डाल रहा हूँ सर। पेड़ को पानी डालना छोड़ और दूध को उठाकर अंदर रख। चल नीचे आ, जल्दी जल्दी काम करो। हाँ, ये क्या, इतना अंधेरा क्यों है यहाँ पे? फैन भी बंद और एसी भी बंद है। क्या बात है, देखो अभी तक सो रहा है। हे, ये देखो खाना वैसे के वैसे ही पड़ा है, लगता है भूखे पेट ही सो गया। इसीलिए मैंने कहा था ना, इसी के साथ रहते हैं। कहा था कि नहीं? आनंद, आनंद उठ, आनंद उठो यार। आनंद क्या हुआ? आनंद, कल शाम से लेटे हो, कुछ खाया भी नहीं है। पहले नहाकर कुछ खा लो। कामराज ऑडिटोरियम में एक प्रोग्राम है, हमने वहाँ स्टॉल लगाया है, तू भी आएगा तो अच्छा लगेगा। चल तू जल्दी तैयार हो जा, ठीक है? तुम लोग जाओ, मुझे नहीं आना, जाओ तुम लोग। अरे जिंदगी एक सफर है और इस सफर में बहुत सारे लोग मिलते हैं, मिलके फिर बिछड़ जाते हैं। बिछड़ना ही जिंदगी है, हमें खुद को बदलना होगा आनंद। अतीत को याद करके क्या फायदा? हाँ ले, ब्रश कर ले।
अमृत। ये मेरी तरफ से छोटी सी भेंट। ये आनंद, अरे क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो तुम? आनंद, क्या हुआ आनंद, बता तो क्या हुआ? अरे हमको बता कुछ। स्टेज पर जो डांस कर रही थी वो मेरी अमृता थी। अब मेरी अमृता है? हाँ। सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, वो मेरी अमृता थी। सुन आनंद, देख ऐसा कुछ भी नहीं है, समझा? चल अब घर चलते हैं। हाँ चल। कनक धारा मंत्रम श्रीं क्लीं कनक धारा। मैडम, कार्ड में जो एड्रेस है पूछिए इनसे। ये एड्रेस? अमृता। किस पागल से पता पूछ लिया है मैंने। चलिए आप। हाँ हाँ। ए, ए, ऑटो वाले रुक। हे आनंद, ऑटो रुको। आनंद रुको। अरे मैं कहता हूँ रुको। रुक जा, रुको। अरे तू पागल हो गया क्या? मेरी अमृता, मेरी अमृता थी वो, मेरी अमृता थी। क्या बात कर रहा है तू? अरे तेरा दिमाग तो ठीक है ना? तबीयत ठीक है ना? तेरी बातों से मुझे डर लग रहा है यार, इतने अच्छे लड़के को अचानक क्या हो गया? हे भगवान। आप हमारी कंपनी के डीलर बन रहे हैं, इससे मुझे और मेरी कंपनी को बहुत खुशी है। आप लीजिए। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, प्लीज कम। तुम्हारा डांस प्रोग्राम बहुत अच्छा था, सब बता रहे थे, लेकिन मैं नहीं आ पाया, अचानक एक बोर्ड मीटिंग आ गई थी। जानती हो आजकल कला को कोई नहीं चाहता, लेकिन तुम सबसे अलग हो। गॉड ब्लेस यू। बताओ। थैंक यू सर। सर ये है जमशेदपुर से आए मटेरियल की डिटेल्स, आप चेक करके साइन कर दे तो हम ड्राफ्ट भेज देंगे। हेलो। हाँ अरे कैसे हैं? हाँ हाँ मैं ठीक। हाँ बोलिए ना। नहीं नहीं। हेलो हेलो, एमडी सर हैं क्या? आप कौन? मैं आनंद। प्लीज होल्ड ऑन जस्ट अ मिनट। सर कोई आनंद है? हेलो आनंद। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? फाइन सर। गेस्ट हाउस कैसा है, पसंद आया? इतना बड़ा बंगला किस लिए सर? नो, आप आराम से रहो, इसलिए मैंने ये गेस्ट हाउस लिया है। कंपनी के VIPs वहीं रहते हैं। थैंक यू सर। इस महीने 520 ट्रैक्टर्स भेजने हैं, काम बहुत धीरे चल रहा है, रॉ स्टॉक जमा है लेकिन काम नहीं हो रहा है, और ऊपर से मुझे कलकत्ता भी जाना है आनंद, इसलिए ये काम मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। तुम्हारी हालत मैं जानता हूँ, लेकिन एक भाई की तरह कह रहा हूँ, अगर तुम काम पर ध्यान दोगे तो मन बहल जाएगा। कल मैं ऑफिस पहुँच जाऊँगा। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अरे चाचा। Yes, my dear son. सुनो, क्या my dear son कह के बेइज्जत करते रहते हो? अब बताओ, दुनिया में बाप अकलमंद होता है या बेटा अकलमंद होता है? बाप? Never. बेटा अकलमंद होता है। वो कैसे? कभी बाप अकलमंद नहीं होता, समझे? तुझे समझाओ क्या मैं? कैसे? क्लिंटन राष्ट्रपति बना, उसका बाप बना है क्या? नहीं। अबे सुन, अलेक्जेंडर को पूरी दुनिया महावीर कहती है, उसके बाप को कहती है क्या? लेकिन मैं तो नेपोलियन को जानता हूँ। मेरे सामने ज्यादा होशियार नहीं बनना, तुम्हारा पैकअप हो गया, चलो। है? है, तेरी असलियत जान गया हूँ, तू किसी काम का नहीं है, जा जाके किसी बस स्टैंड पे चने बेच। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। चलो बे, पुलिस को बुला दो अभी, रुक। डेली 25-50 की झोल करते रहता है, इसको रख के कोई फायदा भी नहीं। अरे भाई देख जरा पेपर में क्या लिखा है। अभी अभी चाचा को नौकरी से निकाला, इतनी जल्दी पेपर में भी आ गया? बकवास मत कर, पेपर देख। ये तो अमृता है। ये अमृता नहीं, शारदा है। ये वही लड़की है जिसे आनंद ने ऑडिटोरियम में डांस करते हुए देखा था। इसका और अमृता का आपस में कोई भी संबंध नहीं है। अच्छा अब समझा, आनंद की परेशानी का कारण क्या है?
सर कॉफी? मैं कॉफी नहीं पीता। कोल्ड ड्रिंक्स? नो थैंक्स। अच्छा यहाँ पर मैथ्यू कौन है? सर वो एडवर्टाइजमेंट ब्रांच में है, अभी नहीं आए हैं, आने वाले होंगे। वहाँ से डिस्पैच फाइल देना मुझे। तुम इसमें एंट्री करके ठीक से टैली करना, मैं बाद में आकर चेक करती हूँ। इसमें बहुत रिक्स है शारदा, तू कहाँ जा रही है? नए असिस्टेंट मैनेजर आए हैं ना, उनसे बहुत सारे साइन लेने हैं, मैं अभी आती हूँ। एक्सक्यूज मी सर। यस कम इन। सर मैं स्टोर के पिंक डिपार्टमेंट में हूँ, आई एम शारदा। कुछ रॉ मटेरियल्स लिए थे, आपके साइन चाहिए थे, ये लीजिए। मैं आनंद, पहचाना मुझे? कहाँ थी तुम इतने दिन? कहाँ थी तुम? बताओ कहाँ थी तुम? मैं आनंद। हेलो, ये सब क्या है, इतने सारे इंसिडेंट? सुनो मेरी बात सुनो, रुको। मुझे नहीं पहचाना तुमने? ये क्या कर रही हो तुम अमृता? हाउ डेयर यू, उस दिन रोड पर भी, और अब असिस्टेंट मैनेजर है तो क्या हुआ? शर्म आनी चाहिए आपको। प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज प्लीज। उसने तुम्हें कुछ उल्टा सीधा कहा है क्या? छुप गए हो जाके कहाँ अजी, हो तुम कहाँ मेहरबान, कहाँ हो बोलो प्रियतमा, तुमने कहा था यहाँ ना हम तुम होंगे जुदा। जिंदगी ये मेरी जिंदगी, ओ बिन तेरे कुछ भी नहीं। ऐ समंदर पहले न था कभी, छुप गए हो जाके कहाँ अजी। Yeah.
173 ओके 153 105 नमस्ते मैडम होल्ड ऑन किससे मिलना है आपको शारदा से और आपको हम उनको जानते हैं शारदा बेटी क्या है देखो तुमसे मिलने कोई आया है कौन है कह रहा है कोई तुम्हारा पहचान वाला है कोई बात अगर समझ में नहीं आए तो उसे समझने की कोशिश करना चाहिए गलत समझना नहीं चाहिए लड़कियों में धैर्य होना चाहिए तुमने आनंद की बेइज्जती क्यों की मैडम मुझे एक फोन करना है फोन क्यों कट गया सॉरी मैडम पुलिस बुला रहे हो ना तो फिर मैं दिखाता हूं पुलिस आएगी ना उनको भी दिखाना पहले तुम देख लो पंजाब में तुम्हारी तरह दिखने वाली एक लड़की थी जिस पे आनंद दिलो जान से मरता था आज वो इस दुनिया में नहीं है पूरे परिवार को आतंकवादियों ने खत्म कर दिया तुम अमृता जैसी दिखती हो इसलिए वो एक बार तुम्हारे पास मिलने आया था तुम्हारे पास एक मिनट नहीं है उसकी बात सुनने के लिए एक मिनट अगर एक मिनट तुम उसकी बात सुन लेती तो आज वो इस तरह बेइज्जत नहीं होता चार दिनों से तुमने जो उसकी बेइज्जती किया उससे वो कितना दुखी है ये तुम जानती हो कि नहीं जाओ जाओ रास्ते पे किसी बेकसूर को बेइज्जत करो जाके अपना गुस्सा भी दिखा दो कितनी मुश्किलों से तो संभला है वो और उसे जख्म मत दो कृपया बेइज्जत मत करो उसे चलो यहां से स्टोर गई थी इसके लिए लेट हो गई ओहो हाय शारदा हाउ आर यू फाइन थैंक यू ओके देन आई विल सी यू लेटर सर घर पे हैं क्या उनसे मिलना है आनंद तुमसे कोई मिलने आई है कौन है ऑफिस से आई है हाँ कौन है मगर खुद आके देख लो यार ठीक है बिठाओ मैं आता हूँ बैठ जाइए वहां पे आप नमस्ते सर नमस्ते बैठो ना सर मैंने आपकी बहुत बेइज्जती की है आपको कैसे फेस करूं समझ में नहीं आ रहा क्या इसलिए आप आज ऑफिस नहीं आए मुझसे गलती हो गई सर इसमें तुम्हारी गलती नहीं है तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो मैं भी यही करता उल्टा मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए सॉरी माफी तो मैं आपसे मांगने आई थी ठीक कहा जीवन में अच्छे लोगों को ही मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं
हमेशा। पता नहीं क्यों पर वक्त भी उनके ही इम्तिहान लेता है। मैडम चाय लीजिए, पियो ना। सुंदर, आसपास के बस स्टॉप पर जाओ, वहां पर अगर कोई लड़कियों को छेड़ता है तो तुरंत मुझे वायरलेस पर बताओ। यू मे गो। यस मैडम। आप QMC जाइए, कोई लड़कियों को छेड़ता है तो फौरन मुझे बताइए। जाइए। ओके मैडम। रुक जा। रुकने को क्यों बोला? बस स्टॉप पे देख, काजल जैसी एक लड़की खड़ी है। यार ये वैसे ही लगती है क्या? वैसी है दिल फेंक। ए, ये मेरी आंखों का कमाल है, बंदूक है। ये सब कुछ जान लेती है फटाफट फटाफट। तेरी तरह ब्रह्मचारी बन के नहीं घूम सकता सारी जिंदगी। तूने अभी दुनिया देखी कहाँ है, आज मैं इस लड़की को पटा के दिखाता हूँ। ऐ क्या तुम ऐसा कर सकते हो? अबे क्यों नहीं कर सकता हूँ, मेरी लव हिस्ट्री में एक बार भी नहीं चुका हूँ मैं। अभी करके दिखाता हूँ। पिछले हफ्ते एक लड़की को पेंसिल से ही लिख के पटाया हूँ मैंने, अब तो देखता जा बच्चों। ए तेरा चश्मा तो बता। अरे उसमें बैटरी नहीं है। नो प्रॉब्लम, पिछले हफ्ते पेंसिल से पटाया था, फिर भी ये तो मोबाइल है यार। चल रहे उधर चलते हैं। एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा और जाइए, और थोड़ा। तो चलें ऑटो में। हाँ ऑटो में जाना है। ये 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 यही तो चाह रहा था मैं। कहाँ जाएं? इसी शहर पे चक्कर लगाते रहें, या महाबलेश्वर या खंडाला चलें, या फिर कहीं दूर किसी झरने के नीचे ठंडे पानी से नहाएं। तुम मुझे नहलाना और मैं तुम्हें। आप कहाँ चलें? वेलूर। हाँ वहाँ तो बहुत गर्मी होगी। रॉन्ग चॉइस। कोई बात नहीं। हाँ? अच्छा इतनी देर से तुमसे बात कर रही हूँ, क्या नाम है तुम्हारा? लोग परेशान कहते हैं। किसको? मुझे। तुम्हें देख के मुझे सब कुछ पता चल गया। तुम्हारे बालों का गजरा, ये आंखों का काजल, तुम्हारे होंठों पे लगी लाल लिपस्टिक, क्या ये काफी नहीं तुम्हें जानने के लिए? छोड़ो ये सब फालतू की बातें, लेट अस कम टू द बिजनेस। क्या सोचा तुमने? मुझे लेकर जाना है तो 7,000 तो होगा। यू मीन 7,000? हद से ज्यादा मांग रही हो। इट्स ऑल राइट, घबराओ मत, मैं हमेशा मीटर के ऊपर ही देता हूँ। क्या हुआ? इंतजाम ठीक ठाक है ना? कोई बाहर का साउंड तो नहीं आता ना? अलग रूम है ना? बिल्कुल अलग कमरा है। वाह व्हाट अ ब्यूटी यार, एक्सपीरियंस। 3 साल ट्रेनिंग, 5 साल सर्विस। वाओ इसके लिए ट्रेनिंग भी होती है क्या? बहुत बढ़िया, कम ऑन। एक मिनट नायडू। कौन है वो नायडू? नायडू। ओ अंकल। नो माय असिस्टेंट। वाओ व्हाट अ नाइस चैप, बहुत अच्छे इंसान हो, बाद में मिलो खुश कर दूंगा। एनीवे इसे भी कुछ देना पड़ेगा क्या? नहीं वो ही तुम्हें देंगे। ओ कस्टमर केयर, वेरी गुड। इतने लोग एक साथ घूमते हो, अच्छा तुम लोगों को पुलिस वुलिस का डर नहीं लगता क्या? हमें नहीं पकड़। बैड सोसाइटी, इतना करप्शन है क्या बताऊं। हाँ इसीलिए हम आए हैं खत्म करने। ओ छोटे अंकल थैंक यू। अब बहुत बातचीत हो गई। ओके अब मैं अपना चश्मा पहन लेता हूँ। टैक्सी में या ऑटो में? जीप में चलते हैं। जीप में। चला बताती हूँ मैं तुम्हें, एक लड़की अगर बस स्टॉप पर गजरा और लिपस्टिक लगाकर खड़ी है तो तुम्हें वो गलत नजर आती है। बंद करो इसे जेल में, बाद में आकर लेती हूँ खबर तुम्हारी। मैं जी माफ कर दो। ए, खुद को ज्यादा होशियार समझता है क्या? कौन बोला होशियारी होती क्या, मुझे जरा भी मालूम नहीं है साहब। अरे बचा। मुझे बेवकूफ बोल रहा था ना? मैंने कब बोला? देखो मैं समझाता हूँ, तेरे जैसे को तो 20 सड़क पर गोली मार देनी चाहिए। चल अब। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कॉफी? नो थैंक्स। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। अमृता
आई एम सॉरी शारदा, वो ऑडिट फाइल लेकर आना जरा। ओके सर। ये लो। सर एक रिक्वेस्ट थी आपसे। बोलो ना। मदर टेरेसा आश्रम के लिए कुछ मदद की जरूरत है। हाँ कल का चेक दिया है। 5000 सर। तुम समाज सेवा करती हो, अच्छी बात है। यू आर रियली ग्रेट। कंपैरेटिवली मेरी तरह खुदगर्ज तो नहीं हो। ऐसी बात नहीं है सर। सच कहूं तो इस जीवन का अर्थ तभी है जब हम दूसरों की सेवा के लिए इसे न्योछावर कर दें। ठीक कहा तुमने। थैंक यू सर। अब मैं चलूं। ओके। हेलो। अरे मैं बोल रहा हूँ यार। हे, कब आया तू? अभी आया। आपने दोनों यारों से मिला? हाँ मिला हूँ ना। ठीक है मैं अभी आता हूँ। ये क्या, नई धोती नई कमीज? हाँ जल्दी में शादी हो गई यार। अच्छा लड़की कौन है ये तो बताओ। वेरी गुड। तुम दोनों को एक साथ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ए इधर आ। ए जरा प्यार से बुला। कोयल। अरे 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 ये क्या, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे सिवा मुझे आशीर्वाद देने वाला कौन है? आपके कारण ही हम मिले। लेकिन आप सब तैयार है ना? अरे आनंद आ गया, जल्दी जाके खाना लगा। ए ऐसे क्या बोल रहा है, बेचारी है वो। ये बेचारी है, तुझे बेचारी दिखती है? पंजाब में कितना डराया था मुझे। बन रोटी क्यों उछल रहे हो? नई शादी हुई है, थोड़ा तो डराऊंगा ना। अरे सोनी तेरी चाल सोनी रे, लगदी कमाल सोनी रे, सोनी तेरी चाल सोनी रे, लगदी कमाल। ए डुप्लीकेट सिंगर। ए ये लाने में इतनी देर क्यों लगा दी तूने? अरे यार तू क्या सोच रहा है, मैं क्या सड़ी हुई मछली लाया हूँ? ये देख मैं समुद्र से ताजा ताजा मछली खरीद कर लाया हूँ, बिल्कुल फ्रेश आइटम। राइट में ताजा केकड़े हैं और लेफ्ट में रूहू मछली है। खाने के लिए तड़प रही है। अरे कौन? मेरी पत्नी। भाभी जी जल्दी जा। आनंद मेरी बीवी इतना अच्छा खाना बनाती है कि पूछो ही मत। लो आ गई है। अच्छे से मलाई मार के दिया ना। पूछो ना। तुम ही पूछो ना। क्या बात है? अरे क्या बोलना चाहती है बोलना। कुछ नहीं। बोलो ना। सुना है अमृता जैसे दिखने वाली कोई है, कल हम गांव जा रहे हैं तो मैंने सोचा जाने से पहले अगर मैं उसे एक बार देखने का मौका मिले तो। हाय शारदा। हाय। यस मैं असिस्टेंट मैनेजर आनंद बोल रहा हूँ। कहिए सर। बुरा मत मानना, पंजाब से मेरा दोस्त और उसकी वाइफ आए हैं, वो लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। कल ही वो लोग वापस जा रहे हैं। अगर तुम यहाँ आ सको तो। नहीं अगर नहीं आ सकती तो हम लोग वहाँ आ जाते हैं। क्या है कि तुम हॉस्टल में रहती हो ना इसलिए। नहीं नहीं आप यहाँ मत आइए, मैं वहां आ जाती हूँ। थैंक्स। हाँ आओ अंदर आओ। हे भगवान बिल्कुल अमृता मालकिन जैसी हो। अंदर आओ, आओ ना। सुनिए देखो बिल्कुल अपनी अमृता जैसी है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। देखो ना बिल्कुल। बहुत देर हो गई है, खाना खाते हैं। हाँ बैठो। नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगी। अरे शर्माइए मत, आपके लिए भी बनाया है, अगर हम अकेले खाएंगे तो हमारे पेट में दर्द हो जाएगा। बैठो ना। बैठिए मैं अभी आई। बैठो ना। जरा प्लेट देना। क्या हुआ? केकड़ा। जरा संभल कर, आराम से, कहीं गले में ना अटक जाए। कोई बात नहीं, प्रशांत कहाँ मर गया?
सुना नहीं मैंने, कहा प्रशांत कहाँ मर गया? वो मेरा बिजनेस पार्टनर है, उसे कुछ मत कहो। कौन सा टाटा बिरला है, चलो इधर दो। थोड़ा और लो ना। अरे इधर तो दो। नहीं। ये क्या कर रहा है? खाना खा रहा हूँ। आप समझा, तू भाभी के हाथ का खाना क्यों खाता है? अरे क्यों नहीं, कितना अच्छा खाना बनाती है मेरी बीवी। खाते समय इतनी बकबक क्यों कर रहे हो, चुपचाप खाओ। ठीक है तो अच्छे पीस दो। हाँ देती हूँ। लो नहीं नहीं बस। अरे लो ना। बिल्कुल ऐसे, हमारी अमृता मालकिन भी ऐसे ही कहती थी। सुना है ट्रक वाले ने अपने मालिक को फोन पर ही मार डाला। कैसे? ऐसा है, समझ लो उसने फोन किया, एक दो तीन चार पाँच। हेलो अशोक बोल रहे हो क्या? तू क्या हर समय फोन के पास ही बैठा रहता है? तुझे 6 बजे आने को कहा था ना, तुझे टाइम के बारे में कुछ पता है कि नहीं? अरे यार 7 बजे तक गाड़ी को आना था और 8 बजे तक माल पार्टी के पास पहुंचना था, नहीं पहुंचे तो परेशानी होगी। 11-12 गाड़ी ठीक नहीं है, उसे मिस्त्री को दिखाना है, नहीं दिखाई तो परेशानी होगी, समझे तुम? 13-14 नंबर की गाड़ी ले जाओ, जाते समय 15 नंबर का माल भी ले जाना, मालकिन कुछ कहे तो 16-17 नंबर की गाड़ी ले जाना, जाते समय 18 नंबर के कमरे में 19 बोरे चावल और 20 बोरे गेहूं रखे हैं, उसको तो संभाल कर लेके जाना। क्या 21-22 की छुट्टी चाहिए? अगर तुझे एक दिन भी छुट्टी दी तो 23-24 को माल पहुंचेगा, और क्लाइंट नहीं चाहता कि माल देरी से पहुंचे, उनको माल अर्जेंट चाहिए। एक काम कर, तू 26-27 को छुट्टी ले ले, क्योंकि मैं 28-29 को गांव जा रहा हूं, गांव में मेरे दोस्त की शादी है, मुझे वो शादी अटेंड करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी ये दूसरी शादी है और मैं उसकी पहली शादी में भी नहीं गया था, इसलिए ये शादी अटेंड करनी मेरी बहुत जरूरी है, और अगर मैं नहीं गया तो वो शादी नहीं करेगा, इसलिए मैं 30 तारीख को ही वापस आऊंगा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा इतना हंस रहा है तो इसका कारण शारदा ही हो सकती है। तुम्हारी वजह से वो इतने खुश हैं। सॉरी बहुत देर हो गई है, अब मैं चलती हूँ। हेलो हेलो शारदा से बात करनी है। शारदा तो आज छुट्टी पे है। ओके शारदा तुम अपने दोस्तों को बिना बताए यहां आई हो ना? वो क्या है कि मुझे खुश करने के लिए उस दिन मेरे दोस्तों ने ऐसी तैसी बात कर दी, उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं। जानता हूं तुम्हें बुरा लगा होगा, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा, तुम प्लीज बुरा मत मानना। आपने बुलाकर कुछ गलत नहीं किया है, उन्होंने ऐसा कहा, इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, मेरे जीवन में ऐसा ही होना था। पता है आपके लिए एक अच्छी खबर है, मेरे पिताजी का गुस्सा शांत हो गया है, मुझे विश्वास नहीं होता, कल उन्होंने मुझे बुलाकर बात की, अब उनका मन बदलने से पहले तुम उनसे शादी की बात कर लेना, ज्यादा लेट मत करना। हाँ तुम्हारे पिताजी समझदार हैं, इसी कारण वो मान गए हैं, पर मेरी माँ ऐसी नहीं है, उन्हें समझाने में थोड़ा समय तो लगेगा ही, पर वो मान जाएगी। मेरी बहन की शादी तय हुई है, उसकी शादी हो जाने के बाद अपनी शादी की बात करेंगे, कुछ दिन पेशेंस रखो। आपकी अमृता की तरह मेरी भी शेखर के साथ। गांव कनकपुर के श्याम जी के पुत्र शंभू और गांव रामपुर के लक्ष्मी शेखर की पुत्री और शेखर की बहन महेश्वरी की शादी तय की गई है। इस शुभ अवसर पर आप सभी से आशा है कि वर वधु को आशीर्वाद देने के लिए जरूर आइए, शादी की तारीख भी तय कर दीजिए। चलो चलो देर किस बात की, शुभ काम जल्दी करो। अब दूसरी शादी की बात तो कीजिए। गांव बिलासपुर के गंगाधर की पुत्री लक्ष्मी और भीमपुरा गांव के परिमल जी के पुत्र शेखर की शादी तय की जाती है। इस शुभ अवसर पर आप सभी सपरिवार सहित आमंत्रित हैं।
शेखर किस्मत वाला है, 50 एकड़ जमीन और इतने पैसे वाला घर मिला है उसे। बहन की शादी तय कर रहा हूँ कहकर अपनी शादी तय कर ली, पैसों के लालच में इतना बड़ा धोखा। उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरे साथ प्यार का नाटक किया उसने। थैंक यू सर। ओके बाय। अब ये हमारी रिक्शा में नहीं चढ़ेगी, बहुत बड़ी बन गई है। तुझे कैसे पता? देख नहीं रहा है, एसटीम गाड़ी से उतरी है, अब तो इसके मजे हैं, पैसे वाली बन गई है। और कितना देर बैठाओगे मुझे? सर वो ये ज्यादा डायलॉग मत मार, जल्दी से जल्दी खाना लेके आ, समझे? मुझे खा के जल्दी जाना है। सर एक्चुअली किचन की गैस खत्म हो गई है, आप 10 मिनट रुक जाइए, मैं खाना लगा देता हूँ। कुछ देर रुक जाइए, मैं आपके लिए कहीं ना कहीं से इंतजाम करता हूँ, प्लीज सर। मुझे जल्दी जाना है। ये होटल बहुत अच्छा है वाकई में। हेलो। हाँ हम खाना खाने जा रहे हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? सर मैं यूं गया और यूं आया, प्लीज सर। सर एक बात बोलो सर। हाँ। शर्म आ रही है, बताऊं क्या? हाँ बताओ ना, जरा नजदीक आओ। लास्कर मेरे साथ बकवास करता है तू, तेरी हिम्मत कैसे? कह दी जो आप उसे पीटने लग गए। इसने जो कहा मैं नहीं बता सकता, समझी तुम? ए रुक, भागता कहाँ, छोड़ूंगा नहीं तुझे। ए रुक, ये क्या कर रहा है? नहीं तो तुझे छोड़ूंगा नहीं, बकवास करता है मेरे साथ तू। अरे क्या हुआ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ? छोड़ूंगा नहीं तुझे। अरे अंकल इतना गुस्सा क्यों रहे हो? अरे यार तुमने अंकल का भेजा क्यों गरम कर दिया है? जरा टेंशन लो, मतलब मत लो। चलिए ये मुझे क्या कहता है मालूम है? कहता है गैस खत्म हो गई है। 10 मिनट आप धूप में खड़े हो जाओ, आपके टकले पर रोटी सेक लेता हूँ। क्या मैं रोटी पकाने का तवा हूँ? मेरे टकले को तवा समझता है? तू भी हंस रही है? नहीं जी, हमारे घर में भी गैस खत्म हो जाती है, लेकिन मुझे ये ख्याल कभी नहीं आया अब मैं गैस ही नहीं लूंगी। दोबारा ऐसी हरकत मत करना, समझे? चलिए भी। शारदा आइए पिताजी। क्या हुआ? कुछ नहीं, कल भीग गई थी इसलिए थोड़ा सा बुखार हो गया, बस अब ठीक हूँ। संगीता कैसी है? वो बिल्कुल ठीक है, हमेशा तुम्हें याद करती रहती है। क्या करें, मैंने मना किया था लेकिन तुमने उस पर विश्वास किया और वो बेवकूफ बनाकर चला गया। घर की पहली शादी टूट जाने से लोग बदनाम करते हैं। क्या लड़की है, पता नहीं कल किसके साथ तू घूम के आई बारिश में, ले आप गरम गरम दूध पी ले। आनंद ये कौन है? हमारे ऑफिस में असिस्टेंट मैनेजर हैं। हेलो आइए ना, अंदर आइए सर। बिन माँ की बच्ची को पालना ही मुश्किल होता है, ऊपर से उसका अच्छा जीवन संवारना और भी मुश्किल होता है। आप क्या कह रहे हैं सर? मैं अपनी बेटी से मिलने ऑफिस गया था और फिर हॉस्टल, हर जगह पर आपके बारे में बात हो रही थी।
भगवान के लिए हमें बेइज्जत मत करिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। ये फोटो जिंदगी कितनी अजीब है, कितनी विचित्र है, और ऊपर से मैंने आपका बहुत दिल दुखाया। गलती इंसान से होती है। आगे ऑटो मिल जाएगा, मैं उसमें चला जाऊंगा। कोई बात नहीं सर, आपको कहाँ जाना है बताइए, मैं आपको वहीं छोड़ दूंगा। पास में ही जाना है, यहाँ पर मेरा भाई रहता है। बस बस यहीं रोक दीजिए, मैं ऑटो से निकल जाऊंगा। ठीक है सर। ऑटो, गोल पार्क जाओगे क्या? ए अल्बर्ट। हाँ। गोल पार्क जाएगा क्या? 100 रुपए। अरे 100 रुपए किस बात के, मीटर लगाया है ना। तुम्हारे पास कार है ना, फिर क्यों रिक्शा पे जाना चाहते हो? अपनी कार से ड्रॉप कर दो ना। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। नहीं सर, मैं छोड़, रात के समय ऐसा ही करते हैं लोग। अच्छा चलो भैया। ठीक है। देखा, आजकल बाप ही दलाल बनकर घूम रहा है। किसकी बात कर रहा है? वही हॉस्टल वाली शारदा। हाँ? गर्भवती हो गई होगी। हाँ। अब ये एस्टीम वाला उसके साथ घूम रहा है ताकि मामला सेटल हो जाए और आराम से निपट जाए मामला। क्या बोल रहा है तू? तू जैसे बदमाशों की वजह से ही ऑटो ड्राइवरों का नाम बदनाम है, समझा? ऑटो, इन्हें गोल पार्क छोड़ दो। ठीक है, आप जाइए सर। ओके। कांच टूटने से दुखी हो गया? मेरे भाई पे हाथ उठाया तूने? तेरा इतना हिम्मत, हाथ उठाया तूने? इसे मार के टुकड़े टुकड़े करके नाले में फेंक डालो। Oh!
पीछे नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा। क्या है? क्या है ये सब? इसने जो कुछ भी कहा है इसके लिए मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। नो नो नो, कूल डाउन, कूल डाउन। आओ आओ मेरे साथ। इस दुनिया को इल्जाम लगाना आता है लेकिन रास्ता बताना नहीं आता। अब तुम एक मर्द हो इसलिए तुमने उसे मार दिया, लेकिन अगर वहीं तुम्हारी जगह पर शारदा होती तो वो उस हालत में क्या करती? सोचो, जरा सोचो तुम। आनंद, यह दुनिया इंतजार करती है कि कब कोई गिरे और हम उससे आगे निकल जाए। सर। यस। ऑफिस से शारदा मैडम आई है। भेज दो। ओके सर। सुनिए जी, क्या हो? मिस्टर राजेश शर्मा का फोन है। एक्सक्यूज मी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग शर्मा, आओ बैठ। आई। हेलो शर्मा जी, बैठ। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, अच्छा, हाँ ठीक है, अच्छा, हाँ हाँ। हेलो। हेलो। नहीं हो जाएगा, ओके। हाँ मैं बाद में करता हूँ। अरे खड़े क्यों, बैठो ना। तुम्हारे साथ एक जरूरी बात करनी है। ठीक है शारदा, तुम अपनी वर्तमान जिंदगी से खुश नहीं हो। तुम ये जो सर्विस कर रही हो, सारी उम्र भी तुम ये करती रहो तो भी तुम्हारे जीवन में कुछ बदलाव नहीं आएगा। और तुम्हारे पापा कब तक तुम्हारे सारे घर चलाएंगे? और तुम्हारी कहानी ऑफिस से लेकर ऑटो स्टैंड तक सबको पता है। अब मेरी बात सुनो, तुम दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लो। ये मत सोचना कि तुम्हें घर बुलाकर ये सब क्या बातें कर रहा हूं, लेकिन मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। मैं चाहता हूं तुम दोनों एक दूसरे के हो जाओ। हमारी तरह तुम्हारे आसपास के लोग भी यही चाहते हैं। ये जो भी बोल रहे हैं ठीक कह रहे हैं। तुम दोनों के बारे में ये अक्सर बातें करते रहते हैं। फिर क्यों नहीं तुम दोनों शादी करके अपने गृहस्थी बसा लो, तुम दोनों के लिए यही ठीक है। देखो ऐसा है, तुम दोनों समझदार हो। प्यार एक जज्बा है और इसे तुम दोनों ने खोया। जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा बड़ों का कहना है। शादी एक पवित्र बंधन है, एक अच्छा सा मुहूर्त देकर तारीख तय कर लेते हैं, बाकी सारा इंतजाम मैं कर लूंगा। क्या अच्छा और क्या बुरा है इसका फैसला तुम कर सकते हो, लेकिन एक अच्छा फैसला लेना। जो फैसला करना जल्दी करना प्लीज। वो आदमी खराब नहीं है। इतना अच्छा आदमी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है शारदा। सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि शारदा अमृता जैसी है, वो भी बहुत संस्कारी लड़की है। ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा शारदा। अच्छी तरह सोच लो और सोच समझ के कदम बढ़ाना। सिर्फ हमारे कहने से नहीं, अपनी आने वाली जिंदगी के लिए सोचो आनंद, और एक अच्छा फैसला ले लो प्लीज। काफी वक्त हो गया है, अब चलें। हनुमान जी के लिए, कालिका के लिए, अरे और लक्ष्मी जी के लिए। क्यों भाई इतने नारियल को फोड़ रहे हो? खुशी में फोड़ रहे हैं यार। ऐसी बात है शादी की, तो मैं भी फोड़ता हूँ। मांगता हमको बढ़िया दारू के संग में सोडा, मांगता हमको बढ़िया दारू के संग में सोडा, पी के बन जाओ शहंशाह, खाओ कुछ चकना वकना, डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग, करो डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग,
डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग करो डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग देख ले ओ चंदा अरे ओ चंदा सुन ले चंदा क्या कहे मुंडा मांगता हमको बढ़िया दारू के संग में सोडा पी के बन जाओ शहनशाह खाओ कुछ चकना वकना डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग करो डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग करो डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग पूछ ले दिल मेरा लूट ले तुझ पे मरता हूँ मैं नहीं ये झूठ रे मजा मजा लेना मौका पाना ना खोना अकल से तो काम लेना इनका नहीं होना बड़ी सुंदर सुंदर है ये रे बड़ी प्यारी प्यारी है ये रे ये आती नहीं है बस में ये खाती है झूठी कसमें जानू रे तुझे मैं तो पहचान तुझे तेरी कसम अरे हाँ देख ले ओ चंदा सुन ले चंदा क्या कहे मुंडा मांगता हमको बढ़िया दारू के संग में सोडा पीक बन जाओ शहनशाह खाओ कुछ चकना वकना डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग करो डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग करो डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग आगे पीछे लड़की खड़ी आंखें देख बड़ी बड़ी तुझको क्यों आया पसीना आंख तेरी किस लड़ी सोनी कुड़ी प्यारी कुड़ी छोटी कुड़ी बड़ी कुड़ी कोई तो है पतली यारा कोई तो है मोटी कुड़ी बोल किसी का तू पट जा जा रे पीछे पड़ जा माने न अगर भिड़ जा चल चल के तू लड़ जा फसगी कोई ना कोई मान ले है बात सही हिम्मत से काम लेना देख ले ओ चंदा सुन ले चंदा क्या कहे मुंडा मांगता हमको बढ़िया मांगता हमको बढ़िया दारू के संग में सोडा पी के बन जाओ शहनशाह खाओ कुछ चकना वकना जमशेदपुर कोटेशन भेज दिया? भेज दिया सर, ऑर्डर भी सैंक्शन हो गया। वेरी गुड। शादी की तैयारी कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है सर। ऑफिस की ज्यादा चिंता मत करना, शादी नजदीक है। आनंद, हाँ। जितना चाहिए पैसा ले लेना, मैंने कह दिया है। ओके, थैंक यू सर, मैं चलता हूँ। सर, शारदा यही काम करती है ना, क्या आप उसे बुला सकते हैं? मैं बाहर से आया हूँ, प्लीज उन्हें बुला दीजिए। जरा रुकिए। सलाम साहब, शारदा जी से मिलना चाहते हैं। तुम
मेरा नाम शेखर है। आओ। शारदा कहाँ है, कैसी है? अच्छी है। तुम्हारे बारे में बताया उसने। तुम्हारी वाइफ कैसी है? कितने बच्चे हैं तुम्हारे? लगता है शारदा ने मेरे बारे में सब कुछ आपको बता दिया है, लेकिन जैसा वो सोचती है वैसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। गांव विलासपुर के गंगाधर की पुत्री लक्ष्मी और भीमपुरा गांव के परिमल जी के सुपुत्र शेखर की शादी तय की जाती है। आप सभी से अनुरोध है कि शिट, ये तो बहुत ही गलत है। इससे अच्छा तो आप मुझे मार देती। जिसने मुझ पर विश्वास किया उसे मैं क्या कहूँगा? आपको इसके बारे में एक बार सोचना चाहिए था। आपने मेरा सर नीचा कर दिया सबके सामने। इसमें नीचा करने का क्या है? सुन, मुझे जो ठीक लगा वो मैंने तय किया। क्या सब कुछ तुम तय करोगी मुझसे बिना पूछे? एक बार ध्यान से सुन लो, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ शारदा से। ए, बस कर, अपना मुंह बंद रख। मेरी घर की इज्जत पर दाग लगाकर तू सुखी नहीं रहेगा। मेरी बेटी की जिंदगी तबाह करके तू खुश नहीं रहेगा। लेकिन मेरी भी तो कुछ बात। ए, मैं तेरी कोई बात नहीं सुनना चाहता। तू यहाँ से निकल जा। तू उसकी जिंदगी क्यों तबाह करना चाहता है? तेरी शादी कहीं और तय हो चुकी है। तू वहीं जा, निकल जा यहाँ से। कभी यहाँ आना मत। शारदा, क्या क्या शारदा, निकल बाहर, निकल प्लीज अंकल। चल निकल बाहर, बाहर निकल, निकल प्लीज अंकल, मेरी बात सुनिए। इससे पहले कि कोई अनर्थ हो जाए निकल जा यहाँ से। तू समझा? तू बेकार की बात मत कीजिए। शारदा, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। पर शारदा ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मेरा दोस्त मुझे मलेशिया ले गया। मैं अपने दोस्त के साथ मलेशिया चला तो गया, लेकिन मैं शारदा को भूल नहीं पाया। मैंने कितने खत लिखे लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद मुझे पता चला वो शहर छोड़कर कहीं और चली गई है, इसीलिए लेटर्स का जवाब नहीं आया मुझे। अगर उसे मेरा कोई खत मिलता तो वो जरूर जवाब देती। मैं उसे ढूंढकर बताना चाहता था कि मेरी माँ उसे बहू मानने को तैयार है। मैं शारदा को बताना चाहता था कि मेरी माँ अपने आप को गुनाहगार समझती है और सोच सोच कर रोती रहती है शारदा का नाम लेकर। सर, अपनी माँ की यह हालत देखी नहीं जाती। इससे पहले कि देर हो जाए, सर मैं शारदा से मिलना चाहता हूँ, प्लीज। शारदा भी तुमसे मिलकर बहुत खुश होगी। आओ चलते हैं। आओ अंदर आ जाओ। अब तुम नहाकर फ्रेश हो जाओ, इसे अपना ही घर समझो। ठीक है सर। मैं शारदा को लेकर बस थोड़ी देर में आता हूं। थैंक यू सर। अच्छा कलर है ना? बहुत अच्छा कलर है। दीदी कैसा लगा? रिसेप्शन के लिए ये बनारसी साड़ी बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा, आनंद जी को ये कलर पसंद आएगा ना? क्यों नहीं बेटी। भाई साहब, इसमें कौन सा पसंद है बताएंगे? ये कलर भी अच्छा है। वो आनंद आ रहा है, उसे जो पसंद होगा वो तुम्हें बता देगा, उसे हिसाब से प्रिंट करा देना। अच्छी बात है। आनंद, देखो आनंद आ गया है। आओ। हम शाम को आने वाले थे। कुछ जरूरी बात करनी है। क्या मैं शारदा को लेकर कुछ देर के लिए बाहर जाऊं? ऐसी बात है, हमने तो सोचा था कि सब मिलकर साथ में ही खाना खाएंगे। आप लोग खाना शुरू कीजिए, हम बस थोड़ी देर में बाहर जाकर आ जाएंगे। अच्छा, तो इसमें से कौन सा पसंद है वो बता दो तो हम छपवा देंगे। अगर आपको एतराज ना हो तो हम आने के बाद इसे पसंद करेंगे। ऐसी बात है,
अच्छा जाओ बेटी। ठीक है। अब बताइए कौन सी इतनी जरूरी बात है जिसे हम हकीकत मानते हैं वो सही में कितना बड़ा झूठ होता है। पता है शेखर बहुत अच्छा लड़का है। बेकार में शेखर की बात मत कीजिए। इसलिए लाए थे आप यहां मुझे? आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। कभी कभी हमारी आंखें हमें धोखा दे देती है। तुम्हें एक बात बताऊं, शेखर ने शादी नहीं की। तुमने उसे गलत समझा। बेचारा शेखर तब से आज तक कितना दुखी है। अब वो यहां आया है तुम्हारी तलाश में। चलो चलते हैं, शेखर से मिलते हैं। आओ प्लीज। यहीं रुको। शेखर, शेखर, वो आदमी कहाँ गया? जो आपके साथ आए थे वो तो अभी अभी चले गए। वो अपना बैग लेकर रेलवे स्टेशन की तरफ गए हुए हैं। मुझे लगता है वो वापस चले गए। चला गया? हे, क्या ढीला चला रहा है, थोड़ा राइट दबा के निकालना। No, no, no.
आओ ना, थोड़ा जल्दी चलो। तुम यहीं पर बैठना, मैं उसे ढूंढ कर आता हूं। प्लीज। चिप्स नहीं चाहिए। जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 5 से रवाना होगी। यात्री कृपया ध्यान दें, तमिलनाडु एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 5 से रवाना होगी। प्लेटफॉर्म नंबर 5 से रवाना होने वाली गाड़ी 8:40 के स्थान पर 9 रवाना होगी। यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए हमें खेद है। अरे बीच रास्ते में क्यों खड़े हो, राइट हो जाओ। भाई साहब यहाँ बैठ जाइए। धन्यवाद। शेखर, शेखर तुम कहाँ जा रहे हो? शेखर शेखर चलो, शेखर शारदा आई है, तुमसे मिलना चाहती है। चलो मुझे तंग मत करो, छोड़ो मुझे। शेखर वो वहीं है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। चलो शेखर, नहीं मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। शेखर चलो मेरे साथ, चलो मुझे आओ। शेखर नहीं उतरो, मैं कहता हूँ उतरो। देखो ट्रेन चल पड़ेगी, उतरो। शेखर मेरी बात सुनो, मुझे तंग मत करो। शेखर मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे उतरो, मुझे जाने दो। शेखर मेरी बात सुनो, जरा देखो देखो इसे, ये है शारदा। घर पे तस्वीर में जो तुमने देखी थी वो शारदा नहीं, मेरी अमृता थी। जानता हूँ, आपके दोस्त ने मुझे इसके बारे में सब कुछ बता दिया था। जानने के बाद भी जा रहे हो? सर ये विधान ही तो है जो आप और शारदा शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। शारदा ने जो फैसला किया है वो बिल्कुल सही है सर। बेकार की बात मत करो शेखर, अपने को खोने का दर्द क्या होता है मैं अच्छी तरह जानता हूं। आज तक मैं अपना सच्चा प्यार अपनी अमृता को भुला नहीं पाया। जल्दबाजी में यह कैसा कदम उठा रहे हो तुम? क्या तुम एक दूसरे के बिना रह पाओगे? प्यार क्या होता है मैं अच्छी तरह जानता हूं। एक बार हार गया लेकिन तुम दोनों को हारते हुए नहीं देख पाऊंगा, बिल्कुल नहीं देख पाऊंगा मैं। बिछड़ कर फिर से मिले हो तुम, वादा करो अब कभी नहीं बिछड़ोगे। गुड लक।
दिल ना लगे कहीं मेरा तेरे बिना, तू ही बता ये तू ही बता, मेहरबान ओ मेरे मेहरबान। देखे थे सपने संग संग जो हमने, अब है कहाँ वो अब है कहाँ, मेहरबान ओ मेरे मेहरबान। ऐ समंदर पहले कभी